नमाज़े जुमा छोड़ने की वईद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरकल जुमुआता सलास जुमाइन मुतवालियातिन फकद नबज़ल इस्लाम बरा ज़हरिही, जिसने बगैर किसी उज्र के तीन जुमा छोड़ दिए उसने इस्लाम को अपने पीठ के पीछे डाल दिया, उसने परवाह ही नहीं किया इस्लाम का। और एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरक सलास जुमाइन बिगैर उज्रिन उतिब मिनल मुनाफिकिन, कि जिसने बगैर किसी उज्र के तीन जुमा छोड़ दिए उसका नाम मुनाफिकों की फहरिस्त में लिखा जाएगा। इसी तरह एक और हदीस है, जिसने सुस्ती की वजह से जुमे की नमाज छोड़ दिया उसके दिल पर अल्लाह गफलत की मोहर लगा देता है, तो ये वो बदनसीब शख्स है जो नमाज जुमा छोड़ते हैं। हजरत इब्ने हजर की एक रवायत है, वो कहते हैं कि जो शख्स नमाज को तर्क करता है उसको बहुत सारी रुसवाइयाँ होती है। वो कहते हैं कि पहली बात यह है कि उसकी उम्र में बरकत उठा ली जाती है, दूसरी बात कि उसके चेहरे से सालिहीन का नूर उतार लिया जाता है, वो कोई भी अमल करे उसका सवाब नहीं मिलता है, चौथी बात यह है कि उसकी दुआएं कबूल नहीं होती है, और पांचवी बात यह है कि उसके लिए जो नेक लोग दुआ करते हैं उन दुआओं का उनको हिस्सा नहीं मिलता है। नेक लोग जो दुआ करते हैं उनकी दुआ तो कबूल हो जाती है मगर उसका हिस्सा उनकी दुआओं से निकाल लिया जाता है, ये तो दुनिया के अंदर उसको रुसवाई मिलेगी। मौत के वक्त उसको तीन सजाएं मिलता है, एक तो भूखा मरता है, दूसरा प्यासा मरता है, तीसरा जलील होकर मरता है, और कब्र के अंदर उसको तीन सजाएं होती है। हजरत इमाम इब्न हजर कहते हैं कि एक तो उसके कब्र को तंग कर दिया जाता है गोया के उसकी एक पसली दूसरे पसली में जा मिलती है, दूसरा ये कि उसके कब्र में आग डाली जाएगी, जो अल्लाह के सामने नहीं छुपता है उसकी कब्र इस लायक है उसमें आग डाली जाए, और तीसरी ये है कि एक अजदहा उस पर मुसल्लत कर दिया जाता है जिसका नाम शजाउल इकरा है, और जब वो डंक मारेगा तो 70-70 गज तक वो शख्स जमीन में लरज जाएगा और ये डंक बराबर मारता रहेगा। और कहा कि तीन सजाएं उसको हशर में पहुंचेगी, एक तो उसका हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि जिससे अल्लाह सख्ती से हिसाब लेगा क्या वो बच सकता है? बिल्कुल नहीं, बचेगा तो सिर्फ वो जिससे अल्लाह सरफे नजर करेगा। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला अपने कहरो गजब का उस पर इजहार करेंगे। तीसरी उसकी सजा ये दी जाएगी कि उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा।